हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। जैसे कि देख सकते हैं यहां पर नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा गया और यहां लिखा गया डिपार्टमेंट। अब ये लिस्ट तो काफी छोटी है, ये काफी लंबी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपको खोजना हो कि सेल्स वाले एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, तो एक एक देख देख करके यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके ये राम हो गया, फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पे आकर के, ठीक है। देखने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे अगला एम्प्लॉय का नाम श्याम है, तो यहाँ लिखेंगे SHYAM, ऐसे करके लिखेंगे। तो जो भी एम्प्लॉय के नेम हैं वो एक एक करके आपको लिखने होंगे, और ये प्रॉपर वे नहीं है अगर आप एक्सेल में वर्क करते हैं। तो प्रॉपर वे क्या है, देखिए एक्सेल का नया फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला फिल्टर का, तो ये फिल्टर का फॉर्मूला ऐसे लगा लीजिए, ये लगा लिया। अब देखिए फिल्टर का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये जो नेम ऑफ एम्प्लॉय है हेडिंग को छोड़ करके बाकी सारा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो गया, F4 दबा के फ्रीज कर दीजिए, यानी देखिए रो और कॉलम दोनों के पहले, ये देखिए ये कॉलम के पहले डॉलर लग गया, ये रो के पहले, यहाँ भी रो के पहले कॉलम के पहले दोनों के पहले डॉलर लग गया। अब यहाँ पे लगाइए कॉमा। अब दूसरा वाला हिस्सा जो डिपार्टमेंट का है, तो ये पूरा डिपार्टमेंट आपको जैसे सेलेक्ट किया था वहां पे, ऐसे ही यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लीजिए और F4 दबा के आपको फ्रीज कर देना, यानी डॉलर लगा लेना। अब इज इक्वल टू का निशान लगाइएगा और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए सेल्स, तो सेल्स सेलेक्ट करेंगे और इसको बंद करके एंटर करेंगे तो सेल्स की पूरी डिटेल आ गई, देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इसको हम ड्रैग करते हैं इधर की तरफ, तो देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो अदर डिटेल है वो भी यहाँ निकल करके आ गई है, देख सकते हैं। तो काफी आसान है, ठीक है, फिल्टर फॉर्मूले की मदद से इस तरीके से काम करना। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।